दोस्तों एक बार आपका फिर से मेरे कुकिंग चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं जो डिश बनाने जा रहा हूँ ये रावलपिंडी की एक ट्रेडिशनल और बहुत पॉपुलर डिश है जिसको हम पिंडी चने या पिंडी छोले भी बोलते हैं। बहुत पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो मेरे कुछ मित्र हैं जो लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने फरमाइश की कि मैं ये डिश उनको बना के बताऊँ और किसी न किसी कारण से ये डिले होता जा रहा था। आज मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। दोस्तों पिंडी छोले बनाने के लिए हमको जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैंने करीब 250 ग्राम काबुली छोले पानी में भिगाए हुए हैं, इसे मैंने ओवरनाइट भिगाया है तो ये देखिए काफ़ी फूल गए हैं और इसको आप जितना देर भिगा के रखेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़े से बे लीव्स यानी तेज पत्ता लिया है, करीब 6 या 8 लौंग लिए हैं, 3 या 4 इलायची, थोड़े से स्टार एनीस इसको हिंदी में चक्रफूल भी बोलते हैं ये लिया है मैंने। उसके अलावा ये दालचीनी के 2 टुकड़े और ये चाय पत्ती के 2 बैग्स मैंने टी बैग्स लिए हैं। इनको यूज़ करके मैं इन चनों को उबालूंगा। टी बैग्स को यूज़ करने से चनों में थोड़ा सा ब्राउन कलर आएगा जो कि देखने में अच्छा लगेगा। ये थोड़ा ज़्यादा संख्या में रहने से अच्छा डार्क कलर आता है इसमें। उसके अलावा जब ये पूरा उबल जाएगा तो हमको जो सामान चाहिए होगा उसके लिए यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा छोले मसाले लिया हुआ है, ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्ची, गरम मसाला और ये अमचूर पाउडर बाद में ऊपर से डालेंगे इसको थोड़ा खट्टा करने के लिए। इसके अलावा मैंने 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है और बाद में पूरे हमारे सामान को गार्निश करने के लिए ये मैंने थोड़े से अनियंस काट के रखे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया कुतर के रखा है, हरी मिर्ची को ऐसे लंबा लंबा काट लें, 2 नींबू हम इसके ऊपर ऐसे निचोड़ेंगे और आप भी ना भूलें मैं भी ना भूलूं, हमें नमक डालना है इसमें स्वाद के अनुसार। एक साफ सफ़ेद कपड़े में ये जो मैंने ये दालचीनी, ये टी बैग्स, स्टार एनीस, ये इलायची, ये लौंग और ये तेज पत्ता इसको सबको आप ऐसे इनको इसमें बांध लें। जब बांधें तो बहुत तगड़ा ना बांधें, इसको थोड़ा सा हल्का रखें। ये देखिए इसको ऐसे इसकी एक पोटली जैसी बना लेंगे हम। ये पोटली को हमको जब हम चनों को उबालेंगे तो उसमें यूज़ करना है। ये देखिए ऐसे एक गांठ और बांध देता हूँ कि कहीं बाद में खुल ना जाए, ऐसे इसको इसमें हमें डाल देना। ये पूरा का पूरा सामान हम प्रेशर कुकर में डाल के इसको उबाल। ये कुकर मैंने ये गैस पे चढ़ा दिया है मीडियम हीट पे, इसमें आप ये छोलों को और पानी को इसमें डाल दें। इसको हमें काफ़ी देर तक के उबालना है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इसमें और इसको हम देखिए अभी से थोड़ा सा कलर छोड़ना शुरू कर दिया चाय की पत्ती के बैग में। इसको हम बंद करके करीब 1/2 घंटे धीमी आंच पे छोड़ देंगे। अब ये जो कुकर है मैंने चढ़ाया है इसमें 2 सीटी होने का इंतज़ार करें। जब 2 सीटी बज जाए तो गैस को बहुत सिम में रख के करीब 1/2 घंटे तक के इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तब ये बराबर सही होगा। ये देखिए अब ये 2 सीटी बजने के बाद में अब इसको मैंने करीब 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया और ये आप इसमें ये जो स्टीम का आवाज़ आ रही है एकदम संगीतमय और मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है इसकी, इसको और 5 मिनट ऐसे छोड़ के फिर हम इसको यूज करेंगे। जब मैंने छोड़ दिया अब इसके अंदर की स्टीम निकल गई है, अब मैं इसको खोल के अब देखिए छोलों का रंग थोड़ा बदल गया है और ये जो मैंने इसमें ये पोटली डाली थी इसको मैं निकाल लूँगा और इसको आप ऐसे 1 चम्मच में निकाल के देखेंगे, इसको ज़रा सा दबा के देखिए काफ़ी आसानी से ये प्रेस हो जा रहा है, मतलब अब ये उबल गया है। इसको मैं अलग रख लूँगा और मैं अब इसके मसाले की तैयारी करूँगा जिसमें इसको मिक्स करके मैंने ये पैन चढ़ाया और इसमें मैं करीब 4 चम्मच
ये कुकिंग ऑयल डालूंगा, और इसमें मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको थोड़ी देर तक के फ्राई कर लूँगा। मैं ये मसाले में ये धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और गरम मसाला और साथ में ये छोले मसाला डाल के इसको भी साथ में हम फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने अमचूर पाउडर रखा हुआ है। अब इसको आप ऐसे थोड़ा देर घचर 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 मिला लें। अब ये मसाला जब ये फ्राई हो गया तो अब मैं इसमें ये जो छोले बनाया था उनको इसमें डाल दूंगा। इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लें। और आज मैं नहीं भूला, आप भी ना भूलें, इसमें से थोड़ा सा नमक और स्वाद के अनुसार ऐसे डाल दें। अब इसको आप हल्की आंच में ऐसे उबलने दें और जब इसका पानी थोड़ा सूख जाएगा तब हम इसको निकालेंगे। इससे इसको हल्की आंच में रखने से थोड़ी देर तक के जो भी इसमें हमने मसाला मिलाया है वो इन चनों में रस जाएगा। देखिए इसका पानी सूख गया है, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया। इसमें मैं ये अमचूर पाउडर जो लिया था इसको इसमें डाल के और इसको मिला दूंगा। इसको जब आप मिलाएं तो बहुत ज़्यादा गचर 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 ना करें, इसको हल्के हाथ से मिलाएं ताकि इसके दाने अलग अलग रहें। और अब ये हमारे पिंडी छोले तैयार हो गए। इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगा इधर। ये पिंडी छोले तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से जो कुतरे हुए हरा धनिया था उसको डाला और ये अनियन के छल्ले बना के इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है। और साइड में मैंने नींबू रखा है, इसको आप निचोड़ सकते हैं इसमें बाद में। इसको खाने के लिए आप इसको आलू की टिक्की के साथ खा सकते हैं, इसको पापड़ी चाट में डाल के खा सकते हैं, इसको पूड़ी पराठा नान रोटी भटूरे इसके साथ में खा सकते हैं, इसके अलावा इसको आप पुलाव के साथ में खा सकते हैं, चावल के साथ में खा सकते हैं और इसको ऐसे भी खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं तो इसको खाने जा रहा हूँ, आप भी इसको बनाएं खाएं और एंजॉय करें। थैंक यू।